हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास फैशन। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए मैंने कार्तिकेय मास के बारे में कहने जा रही हूँ। कार्तिका मास को दामोदर मास कहते हैं। कार्तिका मास जो कि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। कार्तिका मास में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, तुलसी का पूजा करना चाहिए और सूरज को जल अर्पण करना चाहिए और उसके बाद घर में पूजा करना चाहिए। कार्तिका मास में हम नदी स्नान करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। करने से हमें इस तरह का फल मिलता है और हमारे सब पाप धुल जाते हैं। हमें कार्तिका मास में हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए और किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। कार्तिका मास में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। इससे हमें हमारा मन शांत रहता है, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। नदी स्नान करने से हेल्थ अच्छा रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो तक बने रहिए।